हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? ये हमारे दिवाली का शूट किया हुआ वीडियो है जो मैं दिवाली के दिन सुबह सुबह रंगोली बना रही थी। सबसे पहली रंगोली जो मेरे सामने गेट पे पहले से बन चुका था और मैंने बनाया नहीं था, तो मेरी बेटी बोल बोल के मुझे परेशान करके रखा था, मम्मा हम कब रंगोली बनाएंगे, मम्मा हम कब रंगोली बनाएंगे। और मुझे इतना काम था ना, इस दिन इतना काम था और मुझे रंगोली बनाना भी नहीं आता, इतना उसमें मेहनत होती है। और ये बच्ची बोल बोल के बोल, मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे देखो उस आंटी का, देखो उस आंटी का, फिर उस बीच बीच में कुछ ना कुछ इसको करने, और मुझे इतने सारे काम पड़े थे, इतने सारे काम पड़े थे जिसका कोई हद हिसाब नहीं। फिर दोपहर के टाइम पे हमने ये गेट पे लगाने के लिए तोरण बनाया। बाबा मैं खरीदने गई थी मार्केट, आप लोग बताना आपके शहर में ये कैसे मिल रहा था दिवाली के दिन। मेरे शहर में एक गेट के लिए एक तोरण 80 रुपये के मिल रहे थे, 100 रुपये के मिल रहे थे। मैंने बोला जाने दे बाबा, मैं खुद ही बना लूँगी। मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे चाहिए थे 4-5, क्योंकि 3 गेट पे लगाने थे, 2 मंदिर के लिए चाहिए थे, और 80-80 रुपये कौन जाए खरीदने। तो मैंने 2 किलो फूल ख़रीदा, 160 का केजी फूल था, तो मैंने 2 केजी फूल लिया और खुद से बना लिया सारे तोरण। और तब तक जब तक मैंने तोरण बनाए तब तक तक शाम का समय हो चुका था। फिर मैं फटाफट दीपक में तेल वेल बत्ती वत्ती सब डाल रही थी और इसको बोल रही हूँ कि तू भी कुछ कर। तो ये मेरे को बोली मम्मा आप करो, मम्मा आप करो। फिर हम दोनों ने मिल के दीपक को जलाया, फिर आद्या ने हर मैंने जला जला के आद्या को दिया। देखो कितना डर रही है रखने में। डरपोक हूँ मैं, डरपोक। फिर इसने जा जा के हर जगह पे दीपक डाला, फिर देखो किधर घूम रही है, पता नहीं इसको किधर डालना था, बुता के आई ऐसा इसके लिए। और मैं फटाफट कर रही हूँ कि कैसे भी फटाक से हो जाए तो फिर मैं भी लेके जाऊँ। अब मैं लेके जा रही हूँ तो ये मेरे साथ साथ आएगी तो ये भी डालेगी। मुझे तो मंदिर में सबसे पहले डालना था क्योंकि मैंने मंदिर में अभी तक तोरण भी नहीं लगाए, माले भी नहीं लगाए, मुझे पूरा काम बाकी था। तो अभी मैंने फटाफट पहले ये भगवान जी दोनों को, कौन सा लगाया मम्मी? मैंने फटाफट भगवान जी को दीपक लगाया। अभी उसके बाद मैं फटाक से मंदिर पे माला पहनाऊंगी, मैंने माला भी नहीं पहनाया। इतना मैं बिजी थी दीपावली के दिन, इतना बिजी थी, और सब कुछ उसी दिन करना होता है ना, तो उसको लेके और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। बहुत मम्मी परेशान हो रही थी उस दिन, क्योंकि उस दिन जो है ना मुझे कपड़ा भी पहनना था, बहुत कुछ करना था, इसीलिए मम्मी तो उस दिन तो बहुत परेशान थी। अब देखो मेरी जान भी मेरे साथ मेरा हेल्प कर रही है बेटी, इसीलिए बोलते हैं बेटी हमेशा होनी चाहिए लोगों के पास, बेटा हो ना हो चलेगा, बेटी जरूर होनी चाहिए। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, देखो तो। आज मेरे चाचा को देखो मेरा मदद कर रहे हैं। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, इसको तो रंगोली की तरह, रंगोली पे अभी तक दीपक नहीं जला था इसके, एकदम फास्ट फास्ट रख रही है हर जगह। ये मेरा किचन है और मुझे भूख लगी थी भैया, मैंने किचन का खाना का भी पूरा डेकोरेशन वो तैयारी करके रखी थी, सॉरी खाना का मैंने खाने का भी सब कुछ करके रखा था। अब देखो इसको कितने सारे दीपक डालने हैं विंडो पे, मतलब कोई कोई गणपति माता जैसे कि सरस्वती माता उस टाइप गणपति बप्पा का था। अच्छा हाँ, हमारे विंडो से माँ जिवदानी का पूरा मंदिर का दर्शन होता है ना, तो वो जिवदानी माता के लिए गणपति बप्पा सिद्धि विनायक मंदिर यहीं पे पास में है, तो सब कुछ होता है। हाँ। फाइनली हमारा पूजा संपन्न हुआ और हम लोग आरती कर रहे थे, और आद्या को आरती करने की जल्दी इस बात की थी क्योंकि उसको लड्डू खाने थे, है ना आद्या? हाँ, लड्डू और खाने थे, और मेरा प्रिटी प्रिटी लहंगा भी पहनना था। हाँ, आद्या ने लहंगा भी पहना मस्त, और एकदम मस्त खुश है ना आद्या? हाँ। कैसी लगी आपको दिवाली? अच्छी, लेकिन ये भारी बहुत था, पहले मेरा भी देख लेने दो ना। आ जाओगी? देखो मैं आरती कर रही हूँ और इसको अपने आईना है मेरे जस्ट सामने लगा हुआ हॉल में मेरे, तो वहाँ पे उसको वो देख देख के उसमें तैयार हो रही है।